हेलो एवरीवन, परसेंटेज का एक नया वीडियो। हम ये चाहते हैं कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन से खेलना सीखिए। जैसे ही परसेंटेज को फ्रैक्शन से खेलना आ जाएगा तो परसेंटेज का कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप इजीली करेंगे। हम धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द इनकम ऑफ सी 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए, देन व्हाट परसेंट इज सी इनकम मोर देन ए। मुझे तो सीधा सीधा एक चीज़ दिखाई दे रही है, परसेंटेज। सबसे पहले आप परसेंटेज को देख लो। पहला परसेंट है 20%। मैंने कहा इसको फ्रैक्शन से खेलना सीखो बेटा। परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन 100 लगाएंगे, कटिंग करेंगे, कितना आ जाएगा 1/5। ये काम इधर हो गया। अब क्या करना है, देखो C इज 25% मोर देन B, B से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब ये आपके पास हो गया B, तो यहाँ हम लिख देंगे C और यहाँ B हो गया। इसका ये बेसिक वैल्यू किसे हुई, B, ओरिजिनल वैल्यू, ध्यान रखना B। तो B कितना आ गया 5, इससे 20% ज़्यादा, तो 5 का 20% मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू होती है, यानी एक ज़्यादा 6 हो गया, ख़त्म कहानी। अगला चलो 25% दे रखा है, 25% को फ्रैक्शन बदलो बेटा, कितना आया 1/4 आया। किसके रिस्पेक्ट कर रहा है, बी इज 25% मोर देन ए, ए से बात कर रहा है। मतलब ए को अगर 4 मिलता है, यहाँ तीसरा नाम आ गया ए, इस ए को लिख देंगे 4। अगर इस ए को 4 मिल रहा है तो बी को क्या मिल रहा है, इसे मोर मिल रहा है, कितना परसेंट, 25%। 25% मतलब नहीं 1, मतलब ऊपर वाले होता है, ये 1 कर देंगे, 4 से 1 बढ़ाया कितना जाएगा 5, ये बी का हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर। अब आप देखें यहाँ कि यहाँ बी जो आ रहा है इसके पास यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बन जाएगा 6/5:4 बन गया सी बी ए। क्लियर। अब क्या परसेंटेज पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज इज सी, बता फाइंड हाउ मच परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए, इनकम मोर देन ए, यानी कि ए से सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है सर, 2 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, सी से 2 ज़्यादा मिल, कितना परसेंट मिल रहा है सर, 2 ज़्यादा। किसके रेस्पेक्ट निकालना, ए के रेस्पेक्ट, तो उसके जिसके रेस्पेक्ट निकालना डिवाइड, कितना परसेंट इंटू 100, कटिंग करो 2 जा, कितना आया 50, यानी कि 50% आंसर हो। बहुत आसान है बेटा, बस आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो और उसके साथ खेलिए, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है इफ ए एक्सीड बाई बी 40%, मुझे तो सिर्फ परसेंटेज दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो परसेंटेज को क्या बन गया 40/100, कटिंग किया बेटा 2/5। अब देखो ए और सी की बात कर रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया ए और बी की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ ए और बी लिख दिया। ए एक्सीड बाई बी 40%, ए बड़ा है बी से 40%, तो बेटा ये जो बाद में नाम आता है वो बेसिक वैल्यू बन जाती है, इसका 5 हो जाएगा और 40% बड़ा है, और जो परसेंटेज निकाला उसमें ये वैल्यू आएगी आपकी बढ़िया घटी हुई वैल्यू, 2 बड़ा है, यानी 7 हो गया। आगे कह रहा है बी इज लेस देन सी, यानी बी और सी की बात कर रहा है, कितना परसेंट दे रखा है बेटा 20%, ब्रेक करो तो परसेंटेज को मैं बदलो फ्रैक्शन में, कितना आया बेटा 1/5 आया, तो लास्ट में किससे आ रहा है सी, यानी ये सी की वैल्यू है नीचे वाली, क्या जाएगी 5, तो ये किससे लेस है यानी कम है, 20% नहीं, 20% तो अब निकाल चुके हो, कितना आ रहा 1 कम है, कितना जाएगा 4 आ जाएगा, हो गया। अब बस यहाँ सीखने की क्या बात है बेटा, कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखिए बी बी में 5 सेम था, कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ क्या सीखना है, बी एक व्यक्ति है, पहली बार कह रहा है 5 रुपया, ये कह रहा है नहीं नहीं 4 रुपया, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बी एक ही व्यक्ति है, जब कंपेयर चल रहा है तो इसके पास सेम ही अमाउंट होगा ना, जब तक ये सेम नहीं होगा तब 500 नहीं आएगा, तो इन दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करना है, भाई ये 5 या 4 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा बेटा 4 से इंटू करा 28 बन गया, ये इसको करा 4 से कितना 20, इसको करेंगे 20 और इसको करेंगे कितना आएगा 25। अब देखो बी की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या बन जाएगा रेशो 28:20:25, ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड ए रेशो सी पूछ रहा है बेटा, ए कितना होगा 28, सी कितना है 25, तो आंसर कितना आएगा 28:25 आंसर हो गया। चलिए आगे करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, अब आपको एक्स और वाई लेट नहीं करना, ठीक है, एक्स वाई को छोड़ो, आपको नंबर लो अगर लेना ही है तो, एक्स वाई क्या लेना बेटा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20%, 20% दिखाई दिया, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, ये फ्रैक्शन वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएगी आपको, 1/5 आ गया। अब क्या मतलब है, देखो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 25% ऑफ द लार्जर नंबर, इसका मतलब ये आपका लार्जर नंबर है, तो एक नंबर आपके पास स्मॉलर आ गया, एक आपके पास क्या हो गया लार्जर नंबर, तो अगर लार्जर नंबर आपका 5 है
तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है 20%। मैंने बताया था कि 20% को फ्रैक्शन बदलते ये इसका डिफरेंस आ जाएगा 1। तो लार्जर 5 है तो क्या बन जाएगा बेटा 4 बन जाएगा। खत्म कहानी, आगे पढ़ो। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, ये कह रहा है छोटा नंबर अपने पास क्या निकला 4, बोले 4 नहीं है छोटा नंबर तो 20 है। अगर छोटा नंबर 20 है तो 4 का कितना गुना हो गया बेटा 5 गुना हो गया ना, 4 × 5 = 20 है ना। तो इसको भी क्या कर दो 5 गुना, 5 से मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लग रहा किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या कर लेना, 4 यूनिट की वैल्यू 20 सर, 1 यूनिट की वैल्यू बाई 4, कटिंग कर लो कितना का 5 यूनिट्स। 1 यूनिट 5 को दिखाता है, यहाँ क्या लिखा 5, 5 यूनिट किसको दिखाएगा 25 को। आंसर।